कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सब फ्रेंड्स को मेरी तरफ से जुमे की बहुत बहुत मुबारक। जैसे कि आपको पता है जुमे का मुबारक दिन है, तो जी मैं अभी उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ, अब इसके बाद बना रही हूँ क्योंकि अब मैं शावर लूँगी, तो हेयर मास्क बना रही हूँ जो कि बहुत अच्छा है बालों के लिए। तो आपने इस हेयर मास्क को देखना है, उसको अप्लाई भी करना है। आई मैं यानी कि यकीन से आपको कहती हूँ कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आइए इसे बनाते हैं हमारा हेयर मास्क। जी हेयर मास्क बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। आप ये ना समझिए कि बहुत कम चीज़ें हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी आप अप्लाई करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि इसके कितने फ़ायदे हैं। तो जी इसके लिए मैंने सबसे पहले ली है 2 चम्मच दही, ये देखिए, और इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले हाफ टेबल स्पून जितना इसमें हम डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल। ये मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है यानी कि सरसों का तेल। आप कोई भी ले लें, आलमंड ऑयल ले लें, नारियल का ले लें, जो आपके पास अवेलेबल हो वही ले लें। इसके बाद हम एक पूरा एग इसमें डाल देंगे। ओके जी हमारा जो हेयर मास्क है बल्कि बिल्कुल बन के रेडी है, समझिए आप। बस हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं तो इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है। लेकिन मैं आ गई हूँ स्किन पॉलिश की तरफ। आज मैं स्किन पॉलिश भी लगा रही हूँ, वीक में एक मरतबा जो है लगानी चाहिए। तो ये देखिए मैंने बना लिए हैं, बस अब मैं इसको अप्लाई करूँगी। मैं कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करती हूँ वो भी आप सब गर्ल्स से शेयर करूँगी, तो आपने ज़रूर मेरी वीडियो को देखना है और लाइक और शेयर भी करना है। तो जी ये बिल्कुल तैयार है। तो जी फ्रेंड्स फाइनली मैंने शावर ले लिया और अपना फेशियल वगैरह भी जो था वो भी कर लिया है। अब मैं नमाज पढ़ने लगी हूँ। उससे पहले जो है जुम्मे का दिन जो है आपको बताया बहुत मुबारक होता है, उस दिन एक अलग सा ही यानी कि सुकून मिलता है और एक अलग सी फीलिंग होती है बंदे की। और जी आज फिर मैंने ये सोचा कि घर का खाना तो दही खाती हूँ, तो आज थोड़ा दही बड़े खाए जाए, काफ़ी दिन से मेरा दिल कर रहा था दही बड़े खाने का, तो मैंने आज दही बड़े मंगवाए हैं। तो ये देखिए चीज़ें मैंने अलग अलग मंगवाई हैं क्योंकि इनको मिक्स करने का बहुत यानी कि अच्छा सा टेस्ट आता है,
क्रीम है फिर इसको मिक्स करती हूँ। वैसे ये घर में भी जो होती है इसको अगर आप पानी में भिगो के रखें और घर में नमक और चाट मसाला डालकर थोड़ी सी दही डाल के अगर आप खाएँ तो बहुत ही मज़े की बनती है। मैं आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगी इनकी रेसिपी फुल्कियाँ इनको। ओके जी, ये देखिए मैंने इसमें डाल दी है, अब हम इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। बहुत मज़े के बने हैं, अगर किसी को अच्छे लगते हैं वो खाने में तो आ जाए। आप और जी आपको हमारी आई होप कि हमारी आज की जो जुम्मे की टीम थी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर जरूर करना है। जो भी चैनल पर न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। और आपके ताउन का बेहद शुक्रिया, आपने यहाँ तक पहुँचाया है। थोड़ा सा आपका साथ मुझे और चाहिए तो आपसे रिक्वेस्ट है आपने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।